सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक मैंने आपको बोला नहीं था, बट ठीक है, आज याद आया तो सोचा आज कुछ लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नए सिरे से कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के जो चैप्टर में हम सीखने जाएंगे, मतलब आज का जो लेक्चर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड बिलीव मी बेटा, अभी तक जेई में जितने बार भी क्वेश्चन आए वो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही आए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में फर्स्ट ऑर्डर से ही आता है। तो मिस्टर डेफिनेशन, रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन reaction whose rates depends upon first power of concentration are known as first order kinetics, ठीक है। मतलब जिस रिएक्शन का रेट उसके कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगेन अब यहाँ पे हम डेरिवेशन सीखेंगे, वही एटी बीटी, हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, अल्फा, ये सब। इवन तो अल्फा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार जेई में पूछा भी गया है, ठीक है। अगर मान लो ए टेंस टू बी है, ठीक है, ए टेंस टू बी है, तो इसका आर का क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के ए का पावर 1, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज फर्स्ट लॉ, तो दैट इज वाई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये पहला हो गया, t इक्वल टू जीरो पे अगर मैं बात करूं तो ये a नॉट होगा, तब ये जीरो होगा, t इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस x, जो कि ये at हो जाएगा, और ये x, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, bt बोलेंगे। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है r बराबर क्या होता है, माइनस da बाय dt होता है। r बराबर क्या होगा मेरा, माइनस da बाय dt, और इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस db बाय dt, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, dx by dt मिलेगा, क्या इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि ये कंसंट्रेशन है, दिस इज नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो यहां पे जो भी हम कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, पहली बात, ये बात इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो हम जब भी कंसंट्रेशन डिनोट करें, दिस इज नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो द कंसंट्रेशन मेरे पास है कितना, टाइम टी के रेट, मतलब इनिशियल रेट। देखो ये जो t इक्वल टू जीरो पे जो रेट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे अगर मैंने a नॉट ले लिया तो वो तो इनिशियल रेट होगा, लेकिन अगर हम नॉर्मली रेट की बात करते हैं, नॉर्मली रेट, तो नॉर्मली रेट मतलब आफ्टर टाइम t की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आफ्टर टाइम t, जिस टाइम के रेट की बात करोगे उसी टाइम का यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा। तो लेट मैंने टाइम t की बात की है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी मैंने किसका लिया, at लिया, तो a नॉट माइनस x हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अगर मैं बात करूँ dx by dt को, मैं ऐसा कर सकता हूँ, a नॉट माइनस x इज इक्वल टू के डी टी, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, जीरो से लेकर x तक, जीरो से लेकर t तक, ठीक है। अब dx by a नॉट माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln a नॉट माइनस x, माइनस ln a नॉट माइनस x को कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से लेकर x तक करना है, r इज इक्वल टू के टी, इसमें तो कोई जीरो आएगा नहीं, ठीक है। अब इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी माइनस ln a नॉट माइनस x प्लस ln a नॉट, जब आप सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के टी हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये इधर लिया और ये उधर लिया, तो इसका मतलब ln a नॉट माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a नॉट माइनस के टी। तो आप समझ रहे हो, ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, मतलब दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो इसका ये पहला रिलेशन है। वहां मैंने क्या बोला था, वहां जीरो ऑर्डर में हमारा क्या था, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, तो वहां पे हर चीज एक स्ट्रेट लाइन ही होता था। यहाँ पे हर ग्राफ मेरा एक्सपोनेंशियली रहेगा, क्योंकि ln आ गया, ln आ गया मतलब e आ गया,
आई बात समझ में? तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, log of a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ log of a नॉट माइनस के टी बाय 2.303। ये भी मेरा इसका दूसरा फॉर्मेट का आंसर है, ये तीसरा फॉर्मेट हुआ, ठीक है। अब ऐसा समझो बात को, क्या मैं log of a नॉट माइनस एक्स को मैं डिवाइड कर सकता हूँ ऐसे ऐसे करते चलो, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ रहा हूँ और log of a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, के टी बाय 2.303, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो जो सब्ट्रैक्ट होगा वो डिवाइड भी हो जाएगा, log a माइनस b लो क्या हो जाएगा, log a बाई बी। अब यहाँ से जो मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है, जिसका मतलब k बराबर हो जाएगा t बाय सॉरी k बराबर हो जाएगा 2.303 बाय t log of a नॉट बाय a नॉट माइनस x, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो गिवन टाइम और गिवन टाइम का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई बात समझे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बेटा, इसको याद रखिएगा। अब एक और देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको इधर ले जाऊँ इस वाले में और इसको उधर ले जाऊँ, तो ln a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स को मैं लिख क्या सकता हूँ, e का पावर के टी। क्या लिख सकता हूँ मैं? e का पावर के टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको रिवर्स किया तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, a नॉट इधर आ जाएगा और e का पावर माइनस के टी लिख सकता हूँ। तो अब मुझे जो मिलेगा a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट e का पावर माइनस के टी। a नॉट माइनस एक्स इज नथिंग बट ए टी भी आप लिख सकते हो इस जगह पे, कोई दो राय की हर्ज नहीं। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। दिस इज योर वॉट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फॉलो करता है, तो प्रोडक्ट भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फॉलो करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फॉलोज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फॉलोज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, वट अबाउट द x, अगर मुझे x को लिखना हो तो मैं यही सी फॉर्मूले से क्या करता हूँ, x इधर ले आता हूँ और ये इधर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा मेरा, ये वाला पार्ट में इधर ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट उधर लेके जा रहा हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस a नॉट e रेस टू माइनस के टी। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, a नॉट 1 माइनस e रेस टू माइनस के टी। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। तो आप देख रहे हो ये भी, अगर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा तो ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ तक तो दो तीन बातें हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया था, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक बार पूछा गया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जेई 1998 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उन्होंने बोला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करिए, तो अल्फा बराबर क्या होगा, इनिशियल आपने कितना लिया था x और a नॉट लिया था और डिसोसिएट कितना हुआ x हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा बराबर x की वैल्यू हमने क्या निकाली, a नॉट 1 माइनस e रेस टू माइनस के टी बाय a नॉट, दिस और दिस कैंसिल, मतलब अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस e रेस टू माइनस के टी। तो दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला। आई बात समझ सबको? हाँ या ना, इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
1 माइनस ई रेज टू माइनस के टी बाय ए नॉट। हाँ ओके, दिस इज द ओनली फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जस्ट मिनट बेटा, एक होल्ड करना। हाँ ओके, तो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रेट एट अगर मैं बात करूँ रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, तो रेट वर्सेस टाइम के लिए आर बराबर क्या, सॉरी स्मॉल आर लेते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा के ए, और इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए का वैल्यू है ए नॉट, ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी, मतलब रेट भी क्या होगा एक्सपोनेंशियली ही फॉलो करेगा ग्राफ को, रेट भी क्या करेगा एक्सपोनेंशियली फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टी एल टी मतलब लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या, जिस टाइम पे रिएक्टेंट मेरा 100% खत्म हो जाए, मतलब लाइफ एट एल टी, एट टी एल टी ए नॉट क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी ए टी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। एट टी एल टी ए टी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, और ए टी के वैल्यू मेरा क्या है ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी जीरो, और ई रेज टू माइनस के टी जीरो तब हो सकता है जब टाइम, मतलब जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। e का पावर समथिंग की वैल्यू जीरो तब हो सकती है जब, देखो ये तो k तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज होने सकता। ठीक है, तो आपका चेंज क्या हो सकता, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो रेट कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे टाइम इनफाइनाइट होगा तभी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दैट इज वाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने आपको कल भी बताया था, कभी भी जिंदगी भर कंप्लीट नहीं होते, वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 99.9% तक भी आ गया तो भी हम उसको कंप्लीट मान लेते हैं, वो 99.9% तक आ सकता है बट वो 100% कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट बनाकर मैं लिख भी दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इज, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। आई होप सो ये चीज समझ में आ रहा होगा। ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी इक्वल टू जीरो है, मतलब ये उधर जाएगा तो भी जीरो। ठीक है, जीरो को किसी से चीज डिवाइड करोगे तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, और ई रेज टू माइनस के टी की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो रही है, जीरो। देखो इसका तो कुछ वैल्यू होगा, ये तो जीरो होने सकता, मतलब यही वाला पार्ट क्या रहेगा, जीरो के बराबर, मतलब के तो कॉन्स्टेंट है, ये तो वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसका मतलब टी जरूर इन्फिनिटी होगा तभी ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहा है, जीरो। दैट इज वाई इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का लाइफ टाइम क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, हेंस इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हेंस इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99.9% then it is assumed to be completed, then it is assumed to be completed। ठीक है, अगर रिएक्शन 99.9% तक भी हो चुका है, इसका मतलब हम उसको क्या मानते हैं, रिएक्शन को 100% कंप्लीट मानते हैं। तो दिस वाज योर ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमने एटी का फॉर्मूला निकालना सीखा। एटी का फॉर्मूला ये है, रेट कांस्टेंट टाइम और ए नॉट और एटी, ए नॉट माइनस एक्स की जगह कभी कभी आपको एटी भी लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब वही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो आपके फर्स्ट ऑर्डर के रहते हैं वो इसी फॉर्मूले के ऊपर रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जो इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, रेट कॉन्स्टेंट और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है मुझे। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ लाइफ टाइम हो गया मेरा, अब हम हाफ लाइफ टाइम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ टाइम की. आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ टाइम. हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, कंसंट्रेशन टाइम पे क्या हो जाता है, ए नॉट बाई टू के बराबर हो जाता है. इसका मतलब हो जाएगा ए टी का फॉर्मूला क्या है, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी. मेरा यही फॉर्मूला था ना कि ये क्या हो जाएगा. आप ऐसा एक काम करो, चलो आप ऐसा मत करो, आप ये फॉर्मूला यूज करो, के बराबर 2.303 बाय टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाय टू. आप ऐसा समझो जो एक्स होगा वो क्या होगा, ए नॉट बाय टू के बराबर हो जाएगा. बराबर, तभी तो वो हाफ लाइफ है. समझ रहे बात को? तो ये आई होप सो ये पॉइंट समझ रहे होगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ए टी कितना आना चाहिए, ए नॉट बाय टू, तभी तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए नॉट बाय टू की वैल्यू होनी चाहिए. या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ए टी बराबर मैं डायरेक्ट ए नॉट बाय टू भी लिखूँ तो भी चलेगा, दैट चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा देखा भाई आपने इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपने मान लो 100 लिया, बोल रहा है 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड. इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल 100 माइनस 50, 50% रिएक्ट कर चुका. ये एक्स पार्ट क्या होता है, जो रिएक्ट करता है वो पार्ट होता है मेरा. तो यहाँ पे ए नॉट बाई टू इसलिए मैंने लिखा. तब जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये 2.303 बाय टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट बाय टू. ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा सॉरी, जब मैं एल एन ले रहा हूँ तो यहाँ पे टी हाफ 2.303 लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक. जब मैं एलन ले रहा हूँ तो 2.303 लेने की जरूरत नहीं, तो 1 बाई टी हाफ. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा एलन 2 बाय टी हाफ. इसका मतलब टी हाफ का जो फॉर्मूला बनेगा एलन 2 बाय के. या तो ये यूज करो या टी हाफ को आप ऐसा ही बोल सकते हैं 0.693 बाय के. तो आपको कल मैंने एक मेजर डिफरेंस बताया था कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है बेटा. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है. ठीक है, ओवरऑल मैं एक तरफ सारे फॉर्मूले आप क्या करिएगा, सारे फॉर्मूले को एक तरफ लिखिएगा. जैसा मैं लिख रहा हूँ, आर बराबर के ए होता है मेरा. ठीक है, दूसरा क्या बरा ए टी बराबर क्या होता है, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी होता है. x बराबर क्या होता है, a नॉट 1 माइनस e रेस टू माइनस के टी हो जाएगा. ठीक है, दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी, ए नॉट बाय ए टी या ए नॉट माइनस एक्स, दैट चॉइस इज योर. या k को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 बाई टी एल एन ए नॉट बाय ए टी. या तो आप ये लिखोगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस e रेस टू माइनस के टी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखा था, लाइफ टाइम जीरो होता है, हाफ लाइफ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एल एन टू बाय के हो जाएगा. तो ओवरऑल दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेट हाफ लाइफ टाइम. किसका फॉर्मूला ये बेटा, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है. तो देख लो सारे फॉर्मूले आपके फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पे सारे फॉर्मूले मैंने कंप्लीट कर दिए. ठीक है, तो अच्छा एक बात और, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी डिफिनेट फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन. क्या होता है कि जैसे याद करिए, हमारा जीरो ऑर्डर में क्या था कि 10 से 90 गया तो भी 10 मिनट का टाइम लगेगा, 90 से 80 गया तो भी 10 मिनट का टाइम. मतलब जो वो वहां पे जो हो रहा था कि वहां पे जो हम कंसंट्रेशन जो घटा रहे थे वो इनिशियल कंसंट्रेशन से घटा रहे थे, बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन मतलब जो भी पार्ट रिएक्ट करेगा ना उनको इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं रहता. ये आपको मैं बेटर समझा दूंगा अभी, अगर शायद आपको मैं ऐसे प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ बट मैं लिख के आपको समझाऊंगा नोट करके. ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी डिफिनाइट फ्रैक्शन time required to complete any definite fraction or percentage of reaction is independent from initial concentration.
समझ में आ रहा है आपको, नाम पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो भी टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करने में, मतलब पर्टिकुलर डेफिनेट फ्रैक्शन, जो भी पर्टिकुलर डेफिनेट फ्रैक्शन मतलब 40 से 50% को अगर रिएक्ट करना है, मान लो वो जो 10% मिडल का, उसको इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिया। तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आप ऐसा बोल सकते कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पर्टिकुलर फ्रैक्शन को रिएक्ट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफ रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो वही जो हमारे ग्राफ है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। दूसरा ग्राफ है मेरा एलन एटी वर्सेस टाइम, मतलब लॉग एलन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी वर्सेस टाइम। और दूसरा होगा, चौथा है हमारा लॉग ऑफ एटी वर्सेस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ग्राफ आता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम, और यहाँ पे जो आएगा हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे ग्राफ को देखें, एंड बिलीव में सारे ग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा बेटा, बिल्कुल ऐसा रहेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, आर इज इक्वल टू के वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा जल्दी बताओ। रेट वर्सेस टाइम का अगर आप ऐसा फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ए बराबर आर बराबर के ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, मतलब आर और ई टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार्ट तो ये कहाँ से होगा, ए नॉट से, और ये ऐसे घटते जाएगा बराबर। फॉर्मूला क्या लगाओगे, आर बराबर क्या हो जाएगा के ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। तो आप देख सकते हो डिक्री एक्सपोनेंशियली नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आएगी। अब देखो एलन एटी वर्सेस टाइम, अब यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ मेरा, चलो एलन एटी का शायद मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एलन एटी बराबर क्या हो जाएगा, एलन ए नॉट माइनस के टी। तो ये क्या रहेगा, लाइन डिक्रीजिंग रहेगा, बट ये इसको टच नहीं करेगा बेटा, याद करो जीरो ऑर्डर में हम क्या करते थे, इस लाइन को टच करा देते थे, बट यहाँ पे टच नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ का जो स्लोप हो जाएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ माइनस के, यहाँ पे भी कर्व ऐसा ही रहेगा, बट फॉर्मूला क्या लग रहा है, लॉग ऑफ ए टी लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी बाय 2.303। तो लेकिन यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ का स्लोप हो जाएगा के बाय 2.303। क्या हो जाएगा स्लोप, के बाय 2.303। अच्छा सॉरी नेगेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव डिक्रीजिंग कर्व है। तो आई होप सो आपको ग्राफ तो आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छे समझ में आते होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का देखो, अब यहाँ पर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ रहेगा, एक्सपोनेंशियली ग्राफ रहेगा, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्राफ रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, अगर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बराबर ए नॉट वन माइनस ई रेस टू माइनस के टी, और यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए टी बराबर क्या होगा, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। तो आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है, एक ग्राफ तो आपको बहुत, ये तो बहुत आसानी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो बनता है वो है एलन टू बाय के, मतलब यहाँ पे ए नोट का तो मतलब कंसंट्रेशन तो आ ही नहीं रहा है, और जब कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा है इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, तो बरोबर है, ये डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला वन माइनस ई रेस टू माइनस के टी, तो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, बट ये वन वाले लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। तो दिस इज योर ओवरऑल व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।
ठीक है। चलो अब हम जो करने जा रहे हैं, अब हम ये सीखेंगे कि आखिर इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। भैया एग्जाम्पल ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना, आपको एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल याद रखने कि एनसीईआरटी में उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे एग्जाम्पल कवर नहीं किए होंगे, बट आप एनसीईआरटी एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल होता है ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी वाले जितने भी होते हैं ना बेटा, वो इनफाइनाइट, मैंने कल भी बताया था, रेडियो एक्टिव वाले जितने भी होते हैं सारे के सारे इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। मतलब जो आप रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी आप रिएक्शन पढ़ते हो, न्यूक्लियर फीजन, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहते हैं। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी मेरा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी क्या है मेरा, फर्स्ट ऑर्डर लिख देता हूँ मैं, C12H22O11। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सुक्रोज। हालांकि आप ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे डेक्स्ट्रो फॉर्म में आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में। ठीक है, प्लस H2O, H प्लस के प्रेजेंस में एसिडिक बनने क्या देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये हो जाता है मेरा ग्लूकोज और ये मेरा हो जाता है फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गया और ये मेरा क्या हो गया, लीवो फॉर्म हो गया। ये मेरा डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, ये मेरा क्या हो गया, लीवो फॉर्म हो गया। हालांकि आप ऑर्गेनिक बारे में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं मैथमेटिकली टर्म जो रिलेटेड होगा आगे हम इसको डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, इनमें प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, CH3COCH2H5। ये एग्जाम्पल मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करवाया था, है ना, याद होगा आपको। ये लिक्विड फॉर्म का होमोजेनियस लिक्विड रिएक्शन होता है, क्या देगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, ये वो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा ट्वाइस ऑफ N2O5 टेंस टू गिव 4 ऑफ NO2 प्लस O2। ये भी मेरा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा ये जो डिकम्पोजिशन होता है, हमने रेडॉक्स में पढ़ा था ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2, ये भी मेरा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। एंड ऑल आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ये सारे के सारे हमने एक्सपेरिमेंटली ही किए हुए हैं। ठीक है,
तो आई होप सो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बेटा। इनके अलावा जो एनसीईआरटी में दिए वो भी आपको, क्या इसमें दो तीन एग्जांपल तो मैंने एनसीईआरटी का करवा दिए, फिर भी कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ एक बार बाय गो थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ तक तो कर लिए हैं, अब जो हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो भी मैंने आपको हाल फिलहाल में नोट कराया था कि भाई पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम को फर्स्ट ऑर्डर में पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ पार्ट या पर्टिकुलर डेफिनेट पार्ट ऑफ रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए जो टाइम होता है कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो मतलब जैसे मैंने आपको बोला 40-50% का जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर में, हालांकि जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था, वो जीरो ऑर्डर में वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या होता था जीरो ऑर्डर में, यहाँ पे आपको मैं अभी समझा देता हूँ, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा बेटर। जीरो ऑर्डर में देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता था कि इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में रिएक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट विल रिएक्ट इन इक्वल टाइम। कैसे, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, सम है तो दोनों सेम ही बट मीनिंग अलग अलग है। कैसे, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट will react in equal time interval, will react in equal time interval। जैसे कहने का मतलब है 100 से मान लो 10% react किया 10 मिनट में, ठीक है, तो ये पहुंचेगा अब 90, आगे का भी 10% 10 मिनट में ही रिएक्ट करेगा, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते थे इनिशियल, मैंने क्या बोला था जीरो ऑर्डर में हर चीज हम इनिशियल कंसंट्रेशन से ही रिलेट करते थे, बट अभी मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे जो होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट का जो फ्रैक्शन जो रिएक्ट करेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब अब जो 10% रिएक्ट करेगा वो इसका 10% रिएक्ट करेगा, मतलब अब ये 81 पे आ जाएगा, 9% रिएक्ट किया इसका, ठीक है, अगेन फिर से 10% रिएक्ट करेगा मान लो 10 मिनट में, ठीक है, तो अब इसका मतलब कितना, इसका 10% कितना होगा 8.1%, मतलब 72.9, अगेन 10% रिएक्ट करेगा 10 मिनट में, ठीक है, व्हाटएवर 65.6%, मतलब आप समझ रहे हो वहां पे क्या होता था जो 10% रिएक्ट करता था वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन के पार्ट पे ही रिएक्ट करता था, मतलब वो सारा का सारा जो टाइम रहता था वो फ्रैक्शन वो सब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको क्या बोला यहाँ का जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो रिएक्ट करेगा उसका जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब अब जो रिएक्शन होगा वो इनके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन जहां से चालू होगा वही उनके लिए इनिशियल। अब जैसे मान लो ये यहां से यहां पहुंच गया तो मतलब अब ये वाला पार्ट जो रिएक्ट करेगा इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अब 90 है, तो अब ये 90 का 10% रिएक्ट करेगा, अब यहां से जब यहां आएगा तो इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अब 81 हो गया, 90 भी नहीं है 100 भी नहीं, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 81 हो गया, तो इसका 10%, अब धीरे 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 करते 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 ये बहुत टाइम तक होते जाएगा, ठीक है, अभी 65.6 फिर 6.5 फिर 6.5 मतलब 6.56% रिएक्ट करेगा फिर घटेगा, ऐसे करते करते ये क्या होता है 99 तक जाता है, बट 99 के आगे कभी नहीं जाता, दैट इज वाई फर्स्ट ऑर्डर क्या माना जाता है इनफाइनाइट टाइम तक माना जाता है, ये कभी कंप्लीट नहीं होते गिवन टाइम पे, और जीरो ऑर्डर क्या था 10 से 90, 90 से 80, क्योंकि वहां पे जो भी पर्सन रिएक्ट कर रहा था वो हमेशा उनके जो इनिशियल कंसंट्रेशन ले जाता था उसके 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 अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता था, बट यहाँ पे क्या होता है जहां से वो रिएक्ट करेगा वही इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मेजर फर्क हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जैसे मैं बोलूँ कि ये जीरो ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं तो आप कैसे पता करोगे, तो कुछ करना नहीं है आपको, आपको बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है k = 1/t ln of a0/at। अब जैसे देखो सपोज करो इस गिवन टाइम इंटरवल का लिया तो लेट इट बी यहाँ पे 1/t कितना चल रहा 10 मिनट है, ln of a0 कितना था मेरा 100/90, ठीक है, a0/80, तो यहाँ से जो भी k की वैल्यू होगी चेक कर लो, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा 1/10 ही हो जाएगा, लेकिन ln of अब मेरे लिए इनिशियल कितना हो गया 90/81, अब यहाँ से भी k की वैल्यू चेक करो, दोनों में अगर k की वैल्यूज क्या आ रही है सेम आ रही है, इट मीन्स इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर नहीं आ रही तो इट मीन्स क्या होगा जीरो ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में ही आता है, तो आपको दो फॉर्मूला लगाने से k की वैल्यू वही जो कल मैंने आपको सिखाया था हीट एंड ट्रायल मेथड उसको लगाइए,
चेक करिए के की वैल्यू अगर दोनों दोनों कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल पे सेम आ रही है तो मींस आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता था, कंसंट्रेशन जो लेफ्ट होता था आफ्टर टाइम इंटरवल वो एपी के फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे वो जीपी के फॉर्मेट में रहता है। कैसे, जैसे देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन जीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर का जो कंसंट्रेशन बचता है वो एपी के फॉर्मेट में बचता है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बचेगा वो जीपी के फॉर्मेट बचेगा। कैसे, जैसे सपोज करो t इक्वल टू जीरो पे मान लो a नॉट था और t इक्वल टू t पे कितना था, a नॉट e रेस टू माइनस के टी। t इक्वल टू 2t पे कितना बचेगा, a नॉट e रेस टू माइनस 2kt बचेगा और t इक्वल टू 3t पे कितना बचेगा, a नॉट e रेस टू माइनस 3kt इस फॉर्मेट में बचेगा मेरा। अब दोनों का वहां पे तो हम कॉमन डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना होगा e रेस टू माइनस kt, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या होगा e रेस टू माइनस kt और यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या होगा e रेस टू माइनस kt। तो आप समझ सकते हो ये किस फॉर्मेट में होगा, gp के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। आई बस समझ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तीसरा, वहां का हाफ लाइफ जो रहता था जीरो ऑर्डर में, हाफ लाइफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था, बट ये क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट यहाँ का जो हाफ लाइफ वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। द टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration that is also unique property of first order reaction। ये एक unique property है, देखो चौथा वहां पे जो क्या था rate का जो change था with respect to concentration और time वो कांस्टेंट था, मतलब स्ट्रेट लाइन था, बट यहां पे जो चेंज होगा वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। देखो बेटा, यहाँ तक तो मैंने थ्योरी पार्ट जितना भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर का वो मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट, इससे ज़्यादा डीप थ्योरी तो फर्स्ट ऑर्डर में कहीं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब जो हम करेंगे, आज तो हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, डिपेंड ऑन द टाइम, अगर टाइम बचेगा तो आज हम पूरा ही क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे करते हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर विच चेंजेस टू 2 मोलर। इनिशियली आपने ऐड लिया, कुछ समय के बाद क्या हो गया 2 मोलर हो गया इन 40 मिनट्स। कितने टाइम में, 40 मिनट में 2 मोलर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट फर्स्ट क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है आपको, हाफ लाइफ। थर्ड क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो भैया मेरा क्या लगेगा, k बराबर 1 बाई टी ln ऑफ a नॉट बाई ए टी। तो आप ये समझ लो 40
रिएक्शन का रेट कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिएक्शन वही है, टेम्परेचर भी उसने चेंज नहीं किया, स्टोइकोमेट्री भी चेंज नहीं किया, मतलब रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा। तो पहला तो क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, के बराबर क्या हो जाएगा, 1/T ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी। तो 1/T मतलब कितने टाइम में, 40 मिनट का टाइम दिया हुआ, ln इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 8 था, बाद में कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब ये हो जाएगा 1/40, और ln 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ ln 2, तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, k की वैल्यू जो आएगी मेरी ln 2/20। लेट इट बी, मैं इसको इसी फॉर्मेट में रखता हूँ ताकि मेरा हाफ लाइफ आसानी से आ जाए। अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूँ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln 2/k, तो पुट द वैल्यू ऑफ ln, तो ये क्या हो जाएगा, ln 2/ln 2 into 20 ऊपर चला जाएगा, ln 2 क्या हो जाएगा, मतलब t हाफ जो होगा वो 20 मिनट होगा। हाफ लाइफ कितना हो रहा है, मतलब 50% रिएक्ट जो कर रहा है वो 20 मिनट में कर रहा है, कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला अगेन मेरा यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे के भी है, टी भी है, और ए नॉट और ए टी भी है, आप देख सकते हो, और यही मैक्सिमम आपके जो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मूले पे रहते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इनके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर प्रैक्टिस। आपको जो शीट दिया गया है वो प्लीज इसको सॉल्व करते रहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, के बराबर 1/t ln ऑफ ए नॉट बाय ए टी। मुझे कंसंट्रेशन 80 निकालना आफ्टर 60 मिनट, k की वैल्यू कितनी है, ln 2/20 निकाली थी, 1/60 ln ऑफ इनिशियल कितना था, 8/a0, ठीक है। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 ln 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 8/a0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ln 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 8/a0, एंटी लॉग ले लो, तो ये बराबर क्या, 8 इज इक्वल टू 8/a0, ये कैंसिल, तो a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मोलर आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, और आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, कैसे, जैसे समझो 40 मिनट में 8 से, देखो कहने का मतलब क्या है, समझो बात को, 50% का मत, टी हाफ का मतलब क्या, कि भाई रिएक्टेंट 50% रिएक्ट कर सका, मतलब 8 से 4 आ चुका होगा 20 मिनट में, और 4 से 2 आया 40 मिनट में, तो 2 से 1 क्या आएगा, 60 मिनट में। आप ऐसा सोचो ना, 8 से 4 गया, 1 टी हाफ में 50% रिएक्ट किया, इसका भी 50% रिएक्ट कर गया, तो 2 पे पहुंच गया, तो क्योंकि ये 20 था और ये भी 20, तो आपको से देखो 40 मिनट में ये 2 पे आ चुका है, तो अगले हाफ टाइम में, मतलब अगले 20 मिनट और ऐड कर दो, तो यो अगला इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब 1 मोलर हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इट डिपेंड अपॉन टोटली कि आपका थिंकिंग पावर कैसा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी, आप ऐसा घबराइए मत, बस आपको इतना सोचना था कि भाई 20 मिनट जो उसका हाफ लाइफ है, और 40 मिनट उसका डबल हाफ लाइफ हो गया, मतलब 8 से 4 गया होगा 20 मिनट में, और 4 से 2 गया होगा अगले 20 मिनट में, तो टोटल 40 मिनट में वो 2 तक पहुंच रहा है, तो अगले 60 मिनट में, मतलब क्या, अगर 20 मिनट और ऐड कर दूंगा तो फिर से जो बचा कुचा होगा उसका भी आधा ये रिएक्ट कर जाएगा, तो 2 से कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना बेटा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के सोचने वाले क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। चलो और अब क्वेश्चन करेंगे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आए। चलो ठीक है, एक मिनट बच्चा, ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं।
रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, ए टेंस टू, कोई प्रोडक्ट मेरा रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेट एज, एज रेट कांस्टेंट है 6.93 इंटू 10^-3 इंटू 10^-3 मिनट इनवर्स। अब रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स, तो टाइम इनवर्स यूनिट क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता था। तो कभी कभी आपको ऐसा ही रेट, मैंने क्या बोला, ऑर्डर पहचाने का दो तीन तरीका होता है। पहला तो आपका रेट कांस्टेंट दिया होगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा ऑर्डर क्या है। पहला तो तरीका, या तो ऑर्डर आपको दिया जाएगा या तो रेट कांस्टेंट दिया जाएगा। रेट कांस्टेंट यूनिट से आप बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट, पहला है टी 1/3, 1/3। सेकंड उसने पूछा है टी 1/2, 1/2। और थर्ड उसने पूछा है टी 2/3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसने पूछी है, कोई बात नहीं है। तो मुझे पता है के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.93 10^-3 मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स से ही मुझे समझ जाना है कि दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा, टी 1/3 मुझे निकालना, मतलब टाइम निकालना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/T ln ऑफ a0 - x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आपको समझो, टी 1/3 निकालने के लिए आपको के का वैल्यू भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये तो आपको चलो पता भी है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं हाफ लाइफ निकाल लेता हूँ। हाफ लाइफ से मेरा क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ से ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा हो सकता है ln 0.693 / के, के की वैल्यू कितने दिया, 6.93 इंटू 10^-3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ लाइफ कितना आ रहा है, 10^2 मिनट आ रहा है। अब समझो 50% 100 मिनट में हो रहा है, तो ये 1/3 ऑलमोस्ट 33%, मतलब 100 मिनट से तो वैल्यू क्या होगी, कमी होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। सॉरी, के की वैल्यू आपको दी हुई थी यहाँ पे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 6.93 इंटू 10^-3 इज इक्वल टू 1/T 1/3 ln। इनिशियल आपने कितना लिया था भैया, इनिशियल मैंने लिया a नॉट लिया, और मेरा रिएक्ट कितना कर गया, a नॉट माइनस x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नॉट बाई 3। आपको वही टाइम तो निकालना है। टी 1/3 का मतलब क्या है कि 1/3 मेरा रिएक्टेंट कितना हो चुका है, 1/3 रिएक्ट कर चुका है। तो बचे रिएक्ट 1/3 किया तो बचेगा कितना, जनरली बच्चा यहाँ पे क्या करता है, देखो जनरली बच्चा जो मिसकंसेप्ट क्या करता है, के बराबर सर यहाँ पे लिखेगा 1/2 ln ऑफ a0 / a0 / 3, नहीं गलत हो जाएगा ये 80 a0 / 3 नहीं है, दिस इज द मतलब a0 / 3 ये तब लिखेंगे जब हम t 2/3 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a0 / 3 होगा। आई बात समझ में, टी हाफ जब भी हो तो इससे बेटर ये होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे वो रखो जितना पार्ट वो रिएक्ट कर चुका है। तो ये रिएक्ट कितना किया भाई, 1/3 रेखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, ln a0 / 2 a0 / 3। a0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6.93 10^-3। तो ये कितना हो जाएगा, टी 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 10^3/6.93 ln ऑफ 3/2। प्लीज सॉल्व द आंसर, ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है बेटा, आप 2/3 जब बोलेगा तब यहाँ पे 1/3 है, क्योंकि माइनस एक्स आपको करना है। वो मैं बार बार बोलूँ, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना पार्ट वो बोला है उतना पार्ट उससे आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे यहाँ फ्रैक्शन है, तो अगर यहाँ परसेंटेज होता, जैसे मैं बोलता यहाँ पे 70%, तो यहाँ पे ऊपर 100 लेते हैं, नीचे 100 - 70, उतना पार्ट क्या रखा है, रिएक्ट कर। मतलब टी 70% का मतलब क्या बोला है कि भाई मुझे वो टाइम बताना है जहाँ पे रिएक्टेंट 70% रिएक्ट कर चुका है। तो रिएक्टेंट 70% रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट कर गया 70%, तो बचेगा यहाँ 30% ना, 80-30% बचा। तो वही फ्रैक्शन में भी होगा कि 1/3 रिएक्ट किया तो 2/3 बचेगा यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो आई होप से ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको समझ में आने चाहिए। तो अगर मैं वही टी 2/3 की बात करूँ, तो 1/6.93 10^3 ln ऑफ a नॉट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a नॉट बाय 3 लिखूंगा, क्योंकि 2/3 रिएक्ट कर चुका, तो यहाँ बचेगा कितना, 1/3। तो a नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो टी 2/3 बराबर हो जाएगा 10^3 6.93 ln ऑफ
3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, बताइएगा मुझे कि आंसर कितना आ रहा है। तो ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, जैसे बोला कि x परसेंट रिएक्ट कर चुका है, तो उसका अगर आपको टी एक्स परसेंट बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ln 100 बाय 100 माइनस एक्स ले लो। ठीक है, और अगर बोल रहा है एफ फ्रैक्शन रिएक्ट कर चुका है, क्या बोल रहा है, एफ फ्रैक्शन रिएक्ट कर चुका है रिएक्टेंट का, तो टीएफ जो होगा 1 बाय के ln ऑफ 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एफ। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इनको आप समझिए चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन कितना दिया था, 1 बाय 3, तो 1 माइनस, आप ए नोट नहीं भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए नोट बस मैं समझाने के तौर पर ले लेता हूँ, आप 1 माइनस 1 बाय 3 तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बाय 3, तो यहाँ पर 2 बाय 3 पूछेगा, तो यहाँ 1 माइनस 2 बाय 3 मतलब यहाँ 1 बाय 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप समझिए और थोड़ा याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो बेटा, क्लियर हो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड इन अ, अब आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बार बार ये मत करो कि आप डायरेक्ट वीडियो देख के उतारते जा रहे हो, वीडियो पॉज करो अपने ईमानदारी से। अब ऐसा होगा ना बेटा, अगर आपने डायरेक्ट उतार लिया तो इससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो हमेशा मेरा सजेशन यही रहता है हर बच्चे को, पहले आप वीडियो पॉज करिए, खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख ही लोगे, लेकिन पहले आप अटैम्प्ट करने की इसको कोशिश करिए। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required to complete 40% of reaction time required to complete 40% of reaction is 10 minute, time required to complete 40% of reaction is 10 minute, calculate time required to complete 80% of reaction। ठीक है, देखो 40% 10 मिनट में है, तो 80% बहुत सारे बोलेंगे 20 मिनट में, नहीं गलत हो जाएगा फिर यहाँ पे, कैसे, ऐसे समझो के फॉर्मूला तो क्या लगेगा, 1 बाई टी ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी, बराबर। अब पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस गिवन डाटा से मैं रेट कांस्टेंट निकाल लेता हूँ, और फिर इसको निकालने के लिए वही रेट कांस्टेंट क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो चेंज करेगा नहीं भैया, वो तो टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है वो तो, और यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम है, तो के बराबर क्या होगा, 1 बाय 10 ln ऑफ 100 बाय 60, क्योंकि 40% क्या हो चुका है, रिएक्ट कर चुका है, 100 माइनस 40 60 बचेगा, दिस और दिस कैंसिल, तो लेट इट भी मैं इसको इसी फॉर्मेट में रख लेता हूँ, के की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 10 ln ऑफ 10 बाय 6। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब मुझे 80% निकालना है, टी 80% मुझे निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, तो के बराबर क्या हो, टी ऑफ 80% बराबर लिख सकता हूँ 1 बाई के ln ऑफ ए नॉट सॉरी 100 बाय 20, क्योंकि बचा 20 है, तो यहाँ पे 1 बाय के कितना हो जाएगा, 1 बाय के हो जाएगा 1 बाय 10 ln ऑफ 10 बाय 6 ln ऑफ 5, क्योंकि ये 5 टर्म पे चला जाएगा। तो बस आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर से, और मुझे आप आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं, चलो मैं कर ही देता हूँ, ये वैल्यू आएगी देखो 1 बाय 1 बाय 10 ln ऑफ 5 बाय 3 और ln ऑफ 5, तो ऐसे आप ऐसा कर सकते हैं ना, ln ऑफ 5 और ln ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ln ऑफ 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ln ऑफ 3 हो जाएगा
छोड़ दो, बेटर इसको आप काम करना, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके मुझे बताना, शायद कैंसिल नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, तो आप प्लीज़ कर इसको सॉल्व करिएगा। इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आंसर मैं बता देता हूँ, 32 मिनट आएगा। तो आप फिर भी एक बार सॉल्व करके मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? आज फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, बेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल concentration of the reactant initial concentration of the reactant is 16 molar and t half of the reaction is 13.86 into 10 का पावर माइनस 3 मिनट, ठीक है? हाफ लाइफ दिया हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ, कैलकुलेट क्या बोला उसने, कैलकुलेट करने मुझे बोला है, पहला इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला है, और उसने मुझे क्या बोला है, रेट आफ्टर 27.72 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मिनट के बाद रेट क्या होगा। देखो इनिशियल रेट बोला है तो इनिशियल कंसंट्रेशन यूज़ करोगे, मतलब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको गिवन डाटा आर ऑफ के ए, लेकिन क्या मुझे k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसके बजाय उसने क्या दे दिया, रेट कांस्टेंट, सॉरी हाफ लाइफ दिया, तो मैं इसका लिख सकता हूँ 0.693 बाय टी हाफ कितना दिया हुआ है, 13.86 इंटू 10 का पावर माइनस 3, और इनिशियल कंसंट्रेशन उसने कितना दिया हुआ, 16 मोलर, तो रेट मैं इजिली निकाल सकता हूँ। अब ये चला जाएगा 10^-5 और 10^-3, तो 693 बाय 1386 इंटू 10 का पावर 2, ठीक है, इंटू 16, ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा ना, हाँ 2 टाइम चला जाएगा, 2 और 8, मतलब कितना हो जाएगा, 800 मोलरिटी पर सेकंड मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इनिशियल रेट मतलब जब इनिशियल रेट की बात करें तो कंसंट्रेशन भी आप इनिशियल लोगे, ठीक है? अब उसने बात की है रेट आफ्टर दिस, इतने मिनट के बाद मेरा रेट क्या होगा, तो उतने मिनट के बाद आपको कंसंट्रेशन भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अभी भी यही लगेगा, ये भी सेम है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन इतने टाइम के बाद निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, k बराबर 1/T ln ऑफ a नॉट बाय at, ये फॉर्मूला यूज़ करें, k की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो 0.693 बाय 13.86 इंटू 10 का पावर माइनस 3 1/T, कितने टाइम के बाद बोला उसने कंसंट्रेशन, 27.72 इंटू 10^-3, ठीक है, एलन ऑफ ए नॉट कितना था, 16, और 18 मुझे निकालना है। अब आप ये गौर से देखो, ये 10^-3, ये 10^-3 की, और ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका कितना है, 2 टाइम। अच्छा, इसको मैं 0.693 क्या लिख सकता हूँ, एलन 2 लिख सकता हूँ, फॉर बेटर कैलकुलेशन 1/2 एलन ऑफ
16/80, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन 4 हो जाएगा, एल एन ऑफ 16/80, दोनों तरफ में क्या ले लूँ, एंटी लॉग ले लूँ, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 16/80 दिस 4, तो मतलब क्या हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 मोलर मुझे मोलरिटी पता चल गया, इसका मतलब रेट का फॉर्म, रेट क्या हो जाएगा, एल एन 2/13.86 इंटू 10^-3 या 0.693 इंटू 4, दिस इज योर रेट। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों सर ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसको कैलकुलेट करने में हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमेशा हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकालने के लिए, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि देखो अब आपके पास लॉग टेबल वगैरह दिया नहीं जाता, पहले के ज़माने में लॉग टेबल देते थे, आज से 10 साल पहले लॉग टेबल दिया जाता था बच्चों को, लेकिन अब देना बंद हो गया, इसलिए अब हम इसी से चलते हैं और हमारे क्वेश्चन आज सॉल्व हो जा सकते हैं ईजिली, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ टी हाफ। क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहीं सब में देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। बोल क्या रहा है, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये शो करना है कि जो 99.9% रिएक्ट करने तक के लिए जो टाइम लगेगा वो उसका 10 गुना होता है हाफ लाइफ से। अब इसको कैसे शो करेंगे भैया, क्यों नहीं शो कर सकते, बिल्कुल शो कर सकते, कैसे, आप एक काम करो, k बराबर 1/T 99.9%, ठीक है, या टी 99, ln बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.9, बराबर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/T 99.9% ln ऑफ क्या हो जाएगा, ये 0.1 बचेगा नीचे, 0.1 ऊपर चला जाएगा, मतलब 10^3, क्या कुछ ऐसा आएगा मेरा, बिल्कुल आएगा। अब k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k को मैं लिख सकता हूँ ln 2/t½ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t 99.9, या t 50% लिखो, t हाफ क्यों लिख रहे हो, t 50% लिखो, ln ऑफ 10^3, ln ऑफ 10^3, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 0.693 बाय टी 50% इज इक्वल टू होगा 1/t 99.9% इंटू 3 ln ऑफ 10, ln ऑफ 10, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी वैल्यू को मैं एक्सपेंड करूँ तो 1/t 99.9% इंटू 3 ln 10, तो मतलब क्या हो सकता है 2.303 log 10, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। अब 0.693, ठीक है, और 2.303 कितने टाइम से जा सकता है, देखो ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 × 2.303 मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0.693 हो जाएगा, दिस और दिस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, अच्छा, ये सॉरी 0.693 आता है, ये आता है 6.93 आता है, तो जब इसको कैंसिल हो तो यहाँ पे 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1/t 50% जो होता है इज इक्वल टू 10/t 99.9%, मतलब मैं बोल सकता हूँ t 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ t 50% या इज 10 टाइम्स ऑफ t, आप जब इसको मल्टीप्लाई करते तो 6.93 आएगा, और 0.693 को कैंसिल करते तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ से आपको आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो एसएस टेक्निक इंपॉर्टेंट, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो बात को, जब मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, ठीक है, पहला टी हाफ लिया 50% रिएक्ट कर गया, तो यहाँ बचेगा कितना ए नॉट बाय
टू बचेगा, ठीक है। फिर से मैं एक टी हाफ ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए नॉट बाय फोर बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो 50 बचा तो इसका ये 50 कितना रिएक्ट करेगा, 25% है ना, 100 का 50% रिएक्ट करा तो यहाँ 50 बच रहा है। अब इसका भी 50 का आधा रिएक्ट करेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 50% रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है, समझाने की कोशिश करूँ मैं, ऐसा समझो। चलो पहले मैं इसको पहले कर देता हूँ, टी हाफ से कितना बचा है, ए नॉट बाई टू, इसका भी आधा कितना होगा, ए नॉट बाई फोर, इसका भी जब आधा लोगे तो ए नॉट बाई एट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई एट, इसका भी आधा लोगे, इसका भी आधा लोगे तो ए नॉट बाई क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का परसेंटेज को मैं टोटल 50% बोलूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ परसेंटेज को मैं कितना बोलूँगा, ये जब 50% बच रहा है तो जब यहाँ 50 बचा तो यहाँ पे अब कितना बचेगा, 25। तो इसका मतलब टोटल कितना पार्ट रिएक्ट किया मेरा, टोटल 50 + 25 75% रिएक्ट किया मेरा, कितना रिएक्ट किया, 75। मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टी हाफ की जरूरत है, 2 टी हाफ की जरूरत है। हरी बात समझ में। फिर से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 प्लस इसका 10% मतलब 87.5। तो मैं बोल सकता हूँ अगर टी हाफ मेरा 50% है तो 2 टी हाफ मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 75%, मतलब 50 + 25। यही तो मैजिक है फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ का 50, ये जो 50 बचा इसका भी आधा रिएक्ट करा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली इसका तो हाफ है बट इसका टोटल देखोगे तो 25% ही रिएक्ट करा। तो 50 + 25 75%, ठीक है। 3 टी हाफ मतलब कितना हो गया, 3 टी हाफ मतलब हो गया 50 + 25 + 12.5, इतना परसेंट रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब ये टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 87.5%। और अगर मैं 40 हाफ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 50 + 25 + 12.5 + 6.25। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज हो रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है 93.75%। तो 93 अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई रिएक्शन 93.75% रिएक्ट कर रहा है तो आप बोल सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, बोल सकता हूँ मैं, 4 टी हाफ लगे होंगे उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप यहीं पे 2013 में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन 2013 के जो एडवांस में क्वेश्चन आया था कि ए प्लस बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है, लेकिन जो B का जो है, A का जो 50% है, ठीक है, वो A का जो 75% जो है वो उसके 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा है, कितने डायर लग रहा है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और B के बारे में उन्होंने ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, B के बारे में उन्होंने ऐसा ग्राफ दिया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो आपको बताना ओवरऑल ऑर्डर, तो आप खुद से देखो, जब 75% 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा है मतलब दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, और इसका ये आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा है दिस इज जीरो ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप का जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो आई होप सो आप चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो यहीं से मैंने क्या कर दिया, एक एसएस टाइम कर दिया मैंने, आप इस टाइम को याद रखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अगर आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है और पर्टिकुलर रिएक्शन का आपको क्या पूछा है, पर्टिकुलर रिएक्शन का आपसे टाइम पूछा है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितने टाइम में इतना परसेंट रिएक्ट करेगा। तो इनको सबको मैं हाफ लाइफ के फॉर्मेट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसको मैं एसएस टाइमिंग बोलता हूँ, करना कुछ नहीं है। टी 50% मतलब बोला तो 1 टी हाफ, ठीक है, टी 75% बोला तो 2 टी हाफ, ठीक है, टी 75% बोला तो 2 टी हाफ, टी 89.5% बोला तो 87.5% बोला तो 3 टी हाफ, ठीक है, टी 93.25% बोला तो 4 टी हाफ। अगर मैं बोलूँ टी 90% कितना होगा तो ऑब्वियस से बात है ये वैल्यू इनके इनके बीच की होगी, बराबर, बता बोलो 3 और 4 का एवरेज कितना होता है, 3.33
टी हाफ, मतलब इसको आप 10 बाई 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ भी बोल सकते हो, ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करूँ टी 99.9% कितना लगेगा, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, जो अभी हमने देखा भी था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टी 93 के बाद आएगा T97.83, ये आ जाएगा 5, ठीक है, लेट इट बी, इतने से मेरा काम चल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं, बस T99% याद रखना, T99% जो होता है वो 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, या 6.66 टाइम्स ऑफ टी हाफ लिखते हैं, ठीक है, ये टाइमिंग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक और, T25% भी तो लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0.415 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है। तो आप इन हाफ लाइफ टाइम के शॉर्टकट्स को याद रखिए, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और शॉर्टकट्स दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि क्या हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, इससे आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे फॉर्मूला मेरा क्या होता है, 1/T ln ऑफ a नॉट बाय ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट क्या देना चाहता हूँ, अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है, और उनका रेशियो कैलकुलेट करने बोला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल, ठीक है, तो आपको करना क्या, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पैटर्न पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, कहने का मतलब ए नोट बाय ए एफ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आप क्या करो, इनिशियल और फाइनल, मतलब जो भी कंसंट्रेशन है टाइम टी, उनको रेशियो करो, और अगर वो टू के मल्टीपल में आ रहा है, क्या मल्टीपल में आ रहा है, टू के मल्टीपल में, एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, ठीक है, इसका मतलब ये हो, याद रखना एन इंटू हाफ लाइफ बराबर क्या होगा, टी गिवन होगा, ठीक है, मतलब उसके टू को जो पावर रहोगे उसको हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करो, वही आपका गिवन टाइम होगा, मतलब कंसंट्रेशन एफ टाइम टी, आई बात समझ में सबको, ठीक है। या आप उसका ऐसा भी दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इन जनरल टाइम टी हाफ इज गिवन व्हेन एनी जनरल टाइम और हाफ लाइफ इज गिवन, अच्छा और नहीं, इसको मैं एंड लिखता हूँ, तो आप क्या करो एन इंटू हाफ लाइफ करो और टी गिवन करो, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और फाइनल कंसंट्रेशन को आपको निकालना बोलेगा, तो आप क्या करोगे, ए नॉट को 2n से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये शॉर्ट टेक्निक आप याद रखो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ मैं, आपको बेटर समझ में आएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreases from 512 molar to 128 molar in 40 minute, ठीक है। क्या बोला उसने, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट कॉमा हाफ लाइफ पूछा है,
एंड इनिशियल रेट बोला है। इनिशियल रेट निकालेंगे आर बराबर के, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया तो आपको के निकालना है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ मत करो, आप एक काम करो 512 को मैंने क्या बोला पहले आप डिवाइड कर लो 128 से, कितने टाइम्स में जाएगा ये, कितने टाइम्स में जाएगा ये चला जाएगा मान के चलो 4 टाइम्स में, ठीक है 4 टाइम्स में, और 2 का पावर n से करके देखो, तो यहाँ पे n के बराबर कितने आ रही है, 2 आ रही है, मतलब यहाँ पे कितने हाफ लाइफ जा रहे हैं, दो हाफ लाइफ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, दो हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ तो पहला क्वेश्चन खत्म, रेट आप मुझे हाफ लाइफ निकालने बोला, तो मैंने क्या बोला n इंटू हाफ बराबर कितना हो जाएगा 40 मिनट, तो दिस इज नथिंग बट 20, तो हाफ लाइफ कितना हो गया मेरा 20 मिनट हो गया, हाफ लाइफ कितना हो गया मेरा 20 मिनट, रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा 0.693/20, तो देखो कितने जल्दी जल्दी मेरे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये तभी वैलिड है, ये टेक्निक तब वैलिड है जब मेरा इनिशियल ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी का रेशियो 2 के मल्टीपल में, तभी ये चीज़ वैलिड हो सकता है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0.693/20 और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया मेरे को 512, ये मेरा क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन खत्म, इनिशियल रेट भी आ गया, रेट कॉन्स्टेंट भी आ गया और हाफ लाइफ भी आ गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन उसने क्या बोला, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर, सेकेंड उसने बोला है 2 आवर, 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, कुछ मत करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो आप लोग अपने निकाल लिया 2, तो 2 इंटू हाफ लाइफ कितना है 20, एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, आप क्या करो आप ऐसे करो, ठीक है आप क्या कर लो पहले हाफ लाइफ निकाल लो कि इस आपको हाफ लाइफ कितना दिया निकाला आपने, हाफ लाइफ 20 निकाला, टी गिवन कितना है 60, ठीक है। तो जब मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब सेकंड टेक्निक, जब आपको गिवन टाइम पता हो जनरल टाइम और हाफ लाइफ गिवन हो और आपको फाइनल कंसंट्रेशन निकालने बोलेगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे एन हाफ लाइफ निकालोगे और ए नॉट बाई 2 का पावर एन से क्या कर दो डिवाइड कर दो। आप क्या कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला से भी चल सकते हो, कोई दरकार नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ पाप नहीं है इसको करने में, बट ये शॉर्ट टेक्निक से आपका आ जाएगा। तो दो तरीका है, जब आपको कंसंट्रेशन का रेशियो दिया हो ये सब चीज़ें पूछे तो आप ऐसे चलो, मतलब ऊपर से चलोगे, और जब आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन पूछे तो आप नीचे से चलो। आप क्या निकालो पहले हाफ लाइफ और टी गिवन दिया तो एन निकालो, वही क्या मैंने पहले क्या करूँगा मैं एन निकालूंगा, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो इसका मतलब ए टी बराबर क्या हो जाएगा ए नॉट कितना था 512/2 का पावर 3, मतलब 512/8 कितने टाइम चलाएगा 8 छिके 48 और 8 चौक 32, मतलब 64 बचेगा। ऐसे ही मैं क्या करूँ सेकेंड वाले के लिए n इंटू हाफ लाइफ कितना 20 और गिवन टाइम कितना दिया 120, तो ये कितना हो जाएगा 6, मतलब हाफ लाइफ कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका मतलब 80 बराबर कितना हो जाएगा 512/2 का पावर 6। तो आप देख सकते हो इतने ईजिली आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, तो दिस इज़ जो भी आंसर होगा एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आई होप से ये चीज़ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सिंपल सा बात है, अगर आपको टाइम दिया हुआ हाफ लाइफ दिया हुआ और आपको कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी बोले तो एन इंटू हाफ लाइफ और उसको टाइम को इक्वेट करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी के बाद रिएक्टेंट का देख लो उसको इनिशियल से डिवाइड कर दो तो ऐसा आ जाएगा। और अगर आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ दोनों टाइम पे और आपसे हाफ लाइफ वगैरह पूछे तो आप पहले दोनों कंसंट्रेशन को डिवाइड करो 2 के रेंज में आ रहा है कि पहले ये देख लो और n बराबर जो भी हाफ लाइफ होगा उसको गिवन टाइम से डिवाइड करके हाफ लाइफ वगैरह जो भी रेट कॉन्स्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये शॉर्ट टेक्निक भी समझ में आई होगी। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।